जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीईटी का जो एग्जाम था वो बहुत धुरंधर था, अपने आप में एक ऐसा एग्जाम जिसको बच्चा अगर पढ़े तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वह उसको सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, एग्जाम देने के बाद अब बच्चा थोड़ा चिंतित हो गया है, क्योंकि उसका अटेम्प्ट कम हुआ है, क्वेश्चन कम सही मिल रहा है। अब उसके मन में यही आपका एक विचार आ रहा है कि आखिरकार जो इसका रिजल्ट है वो कब आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि आखिरकार पीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो तो बहुत कम जाने वाला है, आखिरकार इसका रिजल्ट कब आएगा, जिससे कि हम यह जान सकें कि हमारा जो कोई वैकेंसी में आपका शॉर्टलिस्ट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर हम किसी और एग्जाम की तैयारी करें, या फिर पहली जो वैकेंसी होगी यूपी पीईटी से वो कब तक आ सकेगी, और आपका जो ये पीईटी है इस पर चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका वैलिडेशन बढ़ जाएगा या फिर यह पहले की तरह ही मात्र एक साल के लिए ही वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में आप जानने वाले हो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, यूपी पीईटी आपके पिछले 2 साल से हो रहा है, उसमें देखा जाता है आपके रिजल्ट में एग्जाम के बाद लगभग 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। इसलिए आपका जो रिजल्ट है, आपको मैं बता दूं, लगभग 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और आपका एग्जाम भी दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मार्किंग है उसको भी किया जाएगा, और भी बहुत सारी वैकेंसी यूपी SSSC द्वारा की जा रही है एवं उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा आयोग बिजी हो सकता है। इसलिए आपका जो एडमिट कार्ड, आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है वो लगभग 2 महीने तो ले ही लेगा, और जो आपकी पहली वैकेंसी है वो आपको आपके जब रिजल्ट आपका निकल आएगा तो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया होती है, वैकेंसी जो आपकी आती है उस पर बैठक होती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बावजूद आपकी जो वैकेंसी है, पहली वैकेंसी जो यूपी पीईटी से आ सकेगी, अब ये नहीं कहा जा सकता किसकी आए, क्योंकि वो लेखपाल की भी हो सकती है या फिर अन्य कोई और वैकेंसी भी हो सकती है, तो उसमें 3 से 4 महीने आपके लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात, जो आपका 2024 में इलेक्शन होने वाला है केंद्र का, उसमें आप देखोगे कि जो यूपी पीईटी है उसमें आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों उसका जो वैलिडिटी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि चुनाव होने के कारण आपकी वैकेंसियां थोड़ी सी, जब से आपके यहाँ पर आचार्य संहिता लग जाएगी तब से आपकी जो वैकेंसियां हैं उन पर रोक लग जाएगी, उससे आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं आ सकेगी। आप लोगों ने पिछले भी देखा होगा कि 2022 से कोई भी 2022 जो पीईटी हुआ था उससे कोई भी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। इसलिए यहां पर अन्य वैकेंसी आपकी चुनाव के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी, हो सकता है पहली वैकेंसी आपके लगभग 3-3.5 महीने में आ जाए। और यूपी पीईटी से संबंधित और भी आगे कोई अपडेट आएगा तो AKGS रिसर्च सेंटर के द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।